नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, राजस्थान पीटीटी कॉलेज अलॉटमेंट 2022 को लेकर आप सबके लिए इस समय की बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। राजस्थान पीटीटी अलॉटमेंट की सेकंड लिस्ट को जारी करने को लेकर सेकंड लिस्ट की क्या कट ऑफ रहेगी दोस्तों, और सेकंड लिस्ट आपकी कब जारी होगी, अपवर्ड मूवमेंट का रिजल्ट कब आएगा, जिन छात्रों को पहली लिस्ट में कॉलेज मिल गई थी उनका अपवर्ड मूवमेंट का रिजल्ट भी दोस्तों आपका सेकेंड लिस्ट के साथ ही जारी किया जाता है। तो वीडियो को पूरा जरूर देख लेना, साथ में अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें राजस्थान पीटीटी कॉलेज अलॉटमेंट की लेटेस्ट न्यूज़ के लिए। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, पीटीटी कॉलेज अलॉटमेंट की जो पहली लिस्ट जारी हो चुकी थी उसके बाद एडमिशन का प्रोसेस अभी चल रहा है, और एडमिशन जो फीस है 22,000 रुपये वो 28 तारीख तक जमा होगी। इसके बाद दोस्तों 31 अक्टूबर तक आप कॉलेज में रिपोर्टिंग करनी होगी, यानी आपको ऑनलाइन सभी डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे, 10वीं 12वीं की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, जाति मूल निवास प्रमाण पत्र, और आपके जो भी आवश्यक डॉक्यूमेंट है वो उससे पहले भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी जो 28 तारीख फीस जमा कराने की लास्ट डेट है, आप 15 तारीख को फीस जमा करा देते हैं, 16 तारीख को फीस जमा करा देते हैं, या फिर 28 की जगह मान लीजिए आप 25 तारीख को फीस जमा करा देते हैं, तब भी दोस्तों आपका जो फीस जमा हो जाएगी उसके बाद 26 तारीख को आप कॉलेज रिपोर्टिंग करा सकते हैं या साथ में भी करा सकते हैं। तो ये दोस्तों प्रोसेस है। इसके बाद आपका लास्ट में जब अपवर्ड मूवमेंट का रिजल्ट आएगा दोस्तों, तो ये देख सकते हैं कॉलेज अलॉटमेंट आफ्टर अपवर्ड मूवमेंट, यानी कि 3 नवंबर को अपवर्ड मूवमेंट और कॉलेज अलॉटमेंट दोनों का रिजल्ट जारी होगा। अपवर्ड मूवमेंट जिन छात्रों ने पहली लिस्ट में कराया है, और सेकंड लिस्ट दोनों एक साथ जारी की जाती हैं दोस्तों, इसी प्रकार से सेकंड लिस्ट में होता है और थर्ड लिस्ट में होता है। कॉलेज अलॉटमेंट चेक करने के लिए आपको प्रिंट अलॉटमेंट लेटर की लिंक पर क्लिक करना है। सिंपली इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा जिसमें आपको रोल नंबर, काउंसलिंग आईडी, डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है। अगर आपके कट ऑफ के हिसाब से सेकेंड लिस्ट में नंबर हैं तो आपको सेकेंड लिस्ट में कॉलेज मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सेकंड लिस्ट में कितने नंबर वाले छात्रों को कॉलेज मिलेगी। सबसे पहले साइंस वालों की बात कर लेते हैं। तो जिन छात्रों के ये तो आपकी पहली लिस्ट की कट ऑफ है, अगर सेकंड लिस्ट की बात करें दोस्तों, तो जिन छात्रों के 320 नंबर से 360 के मध्य जनरल कैटेगरी में नंबर है इनको मिल जाएगी। ओबीसी कैटेगरी में आपकी 310 से 355, और ईडब्ल्यूएस की अगर कट ऑफ की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में भी आपकी 300 से 330 के मध्य रहेगी। ये तो पहली लिस्ट की कट ऑफ है दोस्तों, आप इस पर नज़र ना करें। और इसके बाद एससी और एसटी कैटेगरी की बात करूं तो 300 प्लस से 320, 330 इसी प्रकार से एसटी कैटेगरी में भी रहेगी। एमबीसी में दोस्तों आपके 310 से 340, और ईडब्ल्यूएस में भी 310 से 340 के मध्य वाले छात्रों को कॉलेज अलॉट हो जाएगी। सेकंड लिस्ट में साइंस वालों को, आर्ट्स वालों की कट ऑफ कम रहेगी दोस्तों, 280 प्लस पर एसटी में 280, एससी कैटेगरी में 280, एमबीसी में 290, ईडब्ल्यूएस में 290, और ओबीसी और जनरल में 300, 300 प्लस पर आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगी। आर्ट्स में कट ऑफ कम रहती है। अभी दोस्तों 80% सीटें बच चुकी हैं, अभी भी 20% सीटें खाली हैं, तो लगभग 15 से 20 या 20 सीटें अभी भी खाली बची हुई हैं जिन पर आपको सेकंड लिस्ट में कॉलेज अलॉटमेंट होगा। तो आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना दोस्तों, कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।